हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स का टॉपिक पढ़ेंगे जो क्लास टेंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। इसमें बस समझने की ज़रूरत होती है टर्म्स को, शेयर्स क्या बताता है, डिविडेंड्स क्या बताते हैं। तो हम लोग चलिए पहले जानते हैं शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स जैसे कोई इंसान है, वो एक कंपनी ओपन करता है, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम आप ले लीजिए, एक्स वाई जेड। अब उसको कुछ लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक कंपनी को चला सके, शुरू कर सके। तो उसके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, ए पर्सन कनेक्ट हुआ, बी पर्सन कनेक्ट हुआ, सी पर्सन कनेक्ट हुआ, जो उसको कुछ पैसे देते हैं कि वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करे, उसके साथ आ जाते हैं। और जब उसके पास, मान लीजिए उसको कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपीज़ चाहिए, ए ने उसको 1 लाख दे दिया, बी ने 1 लाख दे दिया, इसी तरह करके कुछ कुछ अमाउंट सब लोग दे रहे हैं, तो उसके पास टोटल करके 10 लाख रुपए हो गया और उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी। अब ये जो नए लोग जुड़े हैं उस कंपनी में, ए बी सी नाम के जो पर्सन जुड़े हुए हैं, उनका भी हिस्सा हो गया कंपनी में, क्योंकि उन्होंने भी अपना पैसा लगाया है। तो क्या होता है कि जो ये पैसे दिए हुए हैं, इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कंपनी तय करती है कि उसको कैसे डिवाइड करना है, उसको कैसे वैल्यू देनी है, उन छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ भी दे सकते हैं। और इन्हीं छोटे पार्ट्स को ही हम शेयर्स बोलते हैं, और जिनकी वैल्यू हम इनिशियली फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी रुपीज़, 1 रुपी का शेयर हो गया, 2 रुपी का शेयर हो गया, 100 रुपी का शेयर हो गया, सब कंपनी अपने अपने हिसाब से शेयर का प्राइस सेट करती है। तो आपको समझ में आया कि शेयर्स क्या होते हैं। तो और इनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो शेयर के प्राइस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑब्लिक फेस वैल्यू और फिर ओरिजिनल वैल्यू। और जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स, पर्सन हु परचेजेस द शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू होती है, ये हमारी फिक्स्ड होती है, ये चेंज डजंट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक इसी तरह शेयर्स में दूसरा टर्म आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या हुआ, जैसे कंपनी आपकी शुरू हो गई, आपके शेयर्स मार्केट में आ गए, तब किसी टाइम पे, उस किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस शेयर की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपीज़ का शेयर है, आज आपने ख़रीदा 10 रुपीज़ का शेयर, डे वन पे आपने 10 रुपीज़ का शेयर ख़रीदा, फिर आप देख रहे हैं डे फिफ्थ पे उसका प्राइस 12 रुपीज़ हो गया, तो ये 12 रुपीज़ क्या है, ये आपका मार्केट वैल्यू हो गया पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। और ये हमेशा मार्केट वैल्यू हमेशा कभी डिक्रीज़ हो जाएगी, कभी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये कुछ भी हो सकती है, कभी बढ़ना है कभी घटना है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं तो कभी उनको नुकसान होता है तो कभी उनको लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह ये मार्केट वैल्यू जो होती है, इसको 3 अलग अलग टर्म में देखते हैं। होता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कैन बी समटाइम्स लेस, समटाइम्स मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती हैं कि जब हमारा नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाता है, मतलब पहले 10 शेयर का दाम 10 रुपए था, आज भी शेयर का दाम 10 रुपए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि बराबर हो गया। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एट पार। इस तरह दूसरा होता है कि जब हमारा नॉमिनल वैल्यू लेस देन हो जाता है मार्केट वैल्यू, मतलब आज जब हमने 10 रुपए का शेयर ख़रीदा था, आज वो 20 रुपए का हो गया है, दाम बढ़ गया, दुगना हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
above par or at a premium. ठीक है, एक हमारी थर्ड कंडीशन बनती है कि जब हमारा नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर हो जाता है मार्केट वैल्यू से, मतलब कंपनी नुकसान में जा रही है, उसको घाटा हो रहा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू उस शेयर की कम हो गई, पहले 10 रुपये थी, आज 7 रुपये हो गई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 रुपये का हमको नुकसान हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलो पार, और एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं और एट अ डिस्काउंट. बस यही शेयर्स में यही इतने ही चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती है कि नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, जो कि फ़िक्स होती है, कंपनी जो अपने इनिशियल शेयर का रेट रखता है और जो हमेशा फ़िक्स रहता है वो नॉमिनल वैल्यू होती है. मार्केट वैल्यू होती है जो कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट में घटती बढ़ती रहती है, और इसी के बेस पे 3 कंडीशंस आती है कि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर है कि उससे ज़्यादा है कि उससे कम है, और इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं. बस सीधे फॉर्मूला बेस पे ही रहते हैं, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस रहते हैं. अब हमारे पास आता है डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड. बहुत सिंपल है. एक कंपनी को मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है. अब वो जो शेयर होल्डर है, मैंने शेयर खरीदे, मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, अब मुझे कंपनी पर शेयर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रही है. अब मैंने चूँकि 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 × 100 तो मुझे 1000 रुपीज़ का कंपनी डिविडेंड देगी, और डिविडेंड हमें तभी मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी प्रॉफिट में जाती है तब हमें डिविडेंड मिलता है. डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड होकर नहीं मिलता है, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है उसी पे डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है, और ये कंपनी तय करती है कि उसको कितने परसेंट पे डिविडेंड देना है. तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम द कंपनी इज डिविडेंड. इसमें दो टर्म है, डिविडेंड मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है, डिविडेंड डजंट डिपेंड ऑन मार्केट, एंड सेकेंड डिविडेंड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू जो थी उसकी, मार्केट वैल्यू नहीं. तो ये दो टर्म्स हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड. चलिए इसके बहुत इजी फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या हैं फॉर्मूले. अब हमको देखना है, हमने कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं, हमें पता है कि एक शेयर का प्राइस कितना है, तो हमने कितना मनी इन्वेस्ट किया है. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना सम इन्वेस्ट किया हमने, तो एक क्वेश्चन रहता है जिस पे बेस सम इन्वेस्टेड. तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. अगर हमने पता है हमने 10 शेयर खरीदे हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो हमने कितना सम इन्वेस्ट किया, 10 × 10 इक्वल टू 100. फिर भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है कि अगर हमें मनी निकालना है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. फिर दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि हमने कितने शेयर खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट ये अगर पता करना है. अगर हमें पता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है पैसा, सम इन्वेस्टेड
डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर हमने टोटल 1000 रुपये लगाए हैं और एक की कीमत 10 रुपये है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने शेयर खरीदा है। यहाँ से हमने 100 शेयर खरीदे हैं, ये पता चल जाएगा। और इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स को एक दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट इक्वल टू, हमें जो कंपनी डिविडेंड देती है वो पर शेयर के हिसाब से देती है। तो अगर हमें पता है कि टोटल डिविडेंड डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे कितना मिला है और टोटल कितना मिला है, तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के निकाल लेंगे। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज इक्वल टू टोटल इनकम, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे है, और इनकम प्रॉफिट ऑन वन शेयर। एक चीज और पूछी जाती है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज सेम एज टोटल डिविडेंड अर्न, मतलब हमें डिविडेंड से कितना पैसा डिविडेंड के रूप में हमें मिला है। तो ये हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, ये कंपनी अपना फिक्स करती है कि उसको कितने रेट पे डिविडेंड देना है, इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, मतलब फिक्स रेट जो है उसका शेयर का स्टार्टिंग। इसी तरह एक और पूछा जाता है कि परसेंटेज इनकम कितनी होती है, रिटर्न कितना मिला हमें, रिटर्न परसेंटेज कितना है। तो ये इज इक्वल टू इनकम प्रॉफिट, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज सेम होता है कि इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, हमें कितनी इनकम हुई, हमने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा। सिंपल सब फॉर्मूले हैं। फिर एक और चीज पूछी जाती है शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये तीनों टर्म एक ही रहते हैं, इज इक्वल टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, पेड बाय कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा शेयर एंड डिविडेंड्स के बारे में, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो कब चेंज होती है, कब फिक्स रहती है, डिविडेंड क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमें सम इन्वेस्ट के लिए फार्मूला है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हम कितने खरीद रहे हैं, हमारी एनुअल इनकम कितनी हो रही है अगर हम कोई शेयर खरीद रहे हैं, हमें कितना रिटर्न मिल रहा है,